जय हिंद दोस्तों, दिस इज संदीप सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और ये अभी हम पहुंच रहे हैं भाई चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। और आपने देखा था पिछले व्लॉग में कि हमने जर्नी की थी इंडियन रेलवे में ऊना से चंडीगढ़ तक। और आज की जो अपनी जर्नी है वो है भाई चंडीगढ़ से देहरादून तक हरियाणा रोडवेज सुपरफास्ट बस में, जो कि वाया पोंटा साहिब होके जाती है। और भाई आपको ये पूरा का पूरा जो भी सेक्टर 43 चंडीगढ़, इसके बारे में भी सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको कौन सी बस कहाँ से मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो भी भाई अगर कहीं से भी अगर चंडीगढ़ रहता है ट्रेन से, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको आगे हरियाणा, पंजाब या हिमाचल जाना है तो आपको कौन सी बसें कहाँ से मिलेगी। चलो भाई यहाँ से अपनी जर्नी करते हैं स्टार्ट। और ये न्यू व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट बात और, जो मैं हर वीडियो में प्राउडली बोलता हूँ कि भाई मेरे चैनल पे कोई भी गंदगी बाजी, किसी तरह का गाली गलोच कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इवन आप अपने बच्चों और फैमिली के साथ भी बिना किसी डर के मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। और जो भी मेरे व्लॉग होते हैं वो बिल्कुल रो होते हैं, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ना कुछ नहीं। जब आप पूरा देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप खुद सफ़र कर रहे थे। चलो ठीक है भाई, और यहाँ से अपनी जर्नी करते हैं स्टार्ट और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर आप चंडीगढ़ आए हो ट्रेन से तो कैसे आप सेक्टर 43 जा सकते हैं और कैसे आप सेक्टर 17 के बस स्टैंड जा सकते हैं। क्योंकि जो चंडीगढ़ है वहाँ पे दो बस स्टैंड है मेन, एक सेक्टर 43 और एक सेक्टर 17। पूरे 11:33 में पहुंचे हैं भाई। चलो ठीक, लो भाई और फाइनली पहुंच गए भाई चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन। और अभी यहाँ से चलते हैं भाई सेक्टर 43 के बस स्टैंड पे और उसके बाद देखेंगे कि शिमला की या फिर देहरादून की, तो दोनों में अभी मेरा 50-50 है, तो वो वहाँ पे जाके देखेंगे। तो चलो भाई, आई होप आपको जर्नी अच्छी लगी हो। बाकी यहाँ से जल्दी से अपना जो लोकल बस है वो पकड़ते हैं और अपना निकलते हैं फिर अपना जल्दी से अपना 43। और उसके बाद फिर मैं ऐसे देहरादून आ रही तुम्हारी आज रात को होटल वगैरह लेके। ये भाई चंडीगढ़ का मेन टिकट कर यहाँ पे, ये करंट रिजर्वेशन, ये जनरल टिकट वगैरह, ये वोटिंग हॉल। और भाई जैसे ही आप चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हो, बिल्कुल सामने निकलते ही आपको मिल जाएंगे ऑटो और टैक्सी वगैरह। और अगर आपको लोकल बस पकड़नी है चंडीगढ़ में या कहीं पे भी जाने के लिए मोहाली वगैरह, तो आपको लोकल बस मिलेगी बिल्कुल जस्ट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। अभी आपको वो भी दिखाते हैं। और भाई एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर आपको दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर आपको हरिद्वार की साइड जाना है, तो सारी की सारी बसें आपको मिलेगी सेक्टर 17 बस स्टैंड से। अगर आपको पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जाना है, तो वो सारी बसेज आपको मिलेगी सेक्टर 43 से। लो भाई, और ये भी हम आ गए हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के लोकल बस स्टैंड पर। और भाई अगर आपको यहाँ से सेक्टर 17 या 43 जाना है, तो आपको 24 घंटे सर्विस मिल जाएगी रात को भी, दिन में तो इवन एक एक दो दो मिनट में भी बस मिल जाती है, रात को ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में। और ये जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल एक ही लाइन में है, तो इकट्ठे ही आपको एक ही रूट पे ये सब कुछ मिल जाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ से बस पकड़ेंगे अपना सेक्टर 43 की, तो वो पहले सेक्टर 17 जाएगी और फिर उसके बाद सेक्टर 43। और ऐसा ही वहाँ से है, जब हम सेक्टर 43 से आप रेलवे स्टेशन की पकड़ेंगे, तो वो पहले सेक्टर 17 के बस स्टैंड से जाएगी और फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन आती है। तो एक ही बस में आपको ये पूरे के पूरे तीनों ही कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छा है इस रूट के ऊपर। लो भाई, और ये उतर गए भाई सेक्टर 43 के बस स्टैंड पे।
सामने भाई उत्तराखंड वालों की भी आ गई है बस भाई, और रोडवेज की भी है। ये भाई 2 घंटे बाद जाएगी, ये दिक्कत है इसकी, वरना इसमें चल पड़ते उत्तराखंड वाली में। देखते अभी पंचकुला वाली में, या भाई सीट योगी भी लगी पड़ी है भाई देहरादून वाली। देखो भाई सेक्टर 43 का स्टैंड, ये गड़े भाई मंडी वाली, चंडीगढ़ मंडी। इसमें करा हुआ भाई सफर HRTC की, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं इस में भी ब्लॉग वैसे। बाकी ये पंजाब डिप होगी और वो खड़ी है बहुत सारी बसेस। और जो बोलो वगैरह बस है बठिंडा जलंधर या फिर लुधियाना के लिए, वो बिल्कुल लास्ट में है इसके, लेकिन वो प्राइवेट ऑपरेटर वाली बोलो है भाई अमृतसर वगैरह जाने के लिए। तो भाई और सेक्टर 43 पे हमें मिल गए बस भाई हमारे हरियाणा रोडवेज की पंचकुला डिपो की है, और 1:05 पे निकलेगी यहाँ से, और बस यहाँ से अभी चलने की तैयारी। तो भाई और ये हमारी बस को लगाया जा रहा है भाई काउंटर पे देहरादून वाले, 1:05 पे टाइम है भाई इसका चलने का, और पंचकुला डिपो की है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब आपके? ना मेरा नाम रघुवीर है जी। आज भाई साहब आज बड़े भाई के आज सफर करेंगे देहरादून का भाई साहब, पंचकुला डिपो में भाई साहब फिर है। चलो ठीक ठीक। ये थे भाई हमारी बस के ड्राइवर बड़े भाई रघुवीर नाथ भाई, और जो हमारी बस के कंडक्टर थे वो थे भाई बड़े भाई गुरदीप सिंह। तो भाई साहब थोड़े क्लियर काफी हो जाएंगे। लो भाई और करेक्ट 1:05 पे हम निकल रहे हैं भाई सेक्टर 43 से देहरादून के लिए, और जो आज हमारी बस का रूट होने वाला है, हमारी बस जाएगी वाया पंचकुला नारायणगढ़ और नाहन बाईपास, उसके बाद पौंटा साहिब और फिर देहरादून। और भाई जो आज का हमारा किराया लगा है चंडीगढ़ से देहरादून तक का, वो लगभग भाई 300 रुपये था, मैं भूल गया 300 था या 310 रुपये ऐसे ही कुछ था। सैटरडे हो गया, यो भी फर्क है ना आज। हाँ सैटरडे की वजह से भीड़ है थोड़ी सी। अच्छा हाँ ये किसका सामान है भाई? मैं कभी आप तक पैकेट नहीं दिया।
लो भाई, जो भी हमारे बस का स्टाफ थे तीनों, वो सुपर थे। आप भी सोच रहे होंगे कि तीन स्टाफ कैसे हरियाणा रोडवेज में दो ही होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। नारायणगढ़ तक तो गए थे अपने बड़े भाई रघुबीर नाथ, और उसके बाद अपने आंसू भाई ने ज्वाइन कर लिया था, और जो अपने कंडक्टर भाई, तीनों भाई इतने मस्त इंसान थे। और हर ये नहीं है कि सिर्फ वो मेरे साथ थे कि मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, हर किसी के साथ। और आप यकीन नहीं करोगे, जो इस रूट पर देहरादून और चंडीगढ़ आते जाते रहते हैं, तो उनके साथ उनका इतना अच्छा भाईचारा बना होता है सबके साथ। वो स्पेशल इन्हीं बस में इन्हीं के साथ सफ़र करते हैं, पहले ही अपना फ़ोन करके टिकट वगैरह अपना रिजर्व करवा लेते हैं अपनी। तो बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत मिलनसार, तो बहुत अच्छा लगा बड़े भाइयों के साथ सफ़र करके। और इन फ्यूचर अगर कभी हुआ तो और कहीं की भी जर्नी आपको दिखाएंगे भाइयों के साथ। लो भाई, और ये भी हम पहुंच गए मनी माजरा, और जो ये सीधा रास्ता है आपका ये निकल गया भाई आगे कालका, सोलन और शिमला की तरफ। और यहाँ से राइट होके हम चले जाएंगे भाई आगे पंचकुला सिटी और पंचकुला बस स्टैंड की तरफ।
लो भाई टाइम हो गया 1:50 और ये भी हम पहुंच रहे हैं भाई पंचकुला के बस स्टैंड पर। भाई मैं भी लाइव में सेकंड टाइम पंचकुला के बस स्टैंड पे आ रहा हूँ। इससे पहले कभी 7-8 साल पहले आया था तो तब का छोटा मोटा बसा मुझे याद है, लेकिन 8-9 साल बाद अभी मैं फिर से आ रहा हूँ। और भाई जो हमारा बस का टाइमिंग आ गया वो भी आप आइडिया लगा लेना कि आज 1:50 पे पहुंची है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको भी देहरादून की तरफ यात्रा करनी है तो 5 या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाना। कई बार क्या होता है कि कई बार जाम ना हो तो 5-10 मिनट पहले भी बस पहुंच सकती है। तो 1:45 और 50 के आसपास हमारी बस निकलती है भाई पंचकूला से देहरादून के लिए। लो भाई और ये भी हम पंचकुला से बाहर आ गए हैं और जो अभी सामने आप हाईवे देख रहे हैं जिसको अभी हम क्रॉस करेंगे ये है भाई NH5 जो कि भाई दिल्ली अंबाला जीरकपुर सोलन शिमला वाला है। और ये भाई अगर आपको चंडीगढ़ नहीं जाना, पर्सनल गाड़ी में आ रहे हो आप दिल्ली से, तो आप यहीं से बाईपास होके सीधा शिमला और सोलन निकल सकते हैं। और जो अभी हम सफ़र कर रहे हैं खुद वो कर रहे हैं भाई NH7 के ऊपर। और ये भी भैया हमारे साथ बैठ गए, हमारे जो पंचकुला डिपो के इंचार्ज सर है वो भी हमारे बस में आके बैठ गए थे।
और भाई इतने डाउन टू अर्थ, और देखो यार ऑफिसर इंसान, और फिर भी उनका अपने जो भी स्टाफ है उनके साथ इतना प्यारा बिहेवियर, तो जो सर थे बहुत अच्छा लगा था उनके साथ। तो उनका नंबर भी वैसे मैं लेके आया, और जो उनकी ड्यूटी भी है वो पूरा संचालन करना है भाई, कौन सी बस कहाँ जाएगी, किस टाइम जाएगी, क्या टाइमिंग, वो सब की सब उनको ही करना पड़ता है, और इतने बढ़िया इंसान थे। तो भाई वैसे मैंने देखा यार पंचकुला डिपो में अधिकतर जो भी मेरे को अभी तक स्टाफ मिला है सारे सुपर स्टाफ थे, और मजा आ गया भाई सबके साथ सफर करके।
लो भाई, और यहाँ से हम NS7 को छोड़ देंगे, और जो ये NS7 सीधा चला गया, ये चला गया भाई आपके आगे साहा और शाहजादपुर, और यहाँ से अगर आप राइट जाओगे तो आप चले जाओगे भाई बरवाला, और यहाँ से हम लेफ्ट होके हम चले जाएंगे भाई रायपुर रानी और नारायणगढ़ की तरफ। और इस बरवाला को लेके कंफ्यूज मत होना भाई, ये हिसार वाला बरवाला नहीं है, ये नारायणगढ़ वाला बरवाला है। लो भाई, और टाइम हो गया भाई दोपहर के 2:26, और ये भी हम पहुंच गए भाई रायपुर रानी। और अगर आपको भी रायपुर रानी से आगे पोंटा साहिब और देहरादून का सफ़र करना है तो मैं तो भाई ये सलाह दूंगा कि जो भी मैं टाइमिंग बता रहा हूँ जिस भी सिटी की, उससे 5 या 10 मिनट पहले ही बस स्टैंड पहुँच जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बस कई बार जाम ना हो तो 5 या 10 मिनट पहले ही पहुँच जाती है, तो उस हिसाब से बस निकलने से अच्छा है कि 5-10 मिनट पहले ही पहुँच जाओ आप। लो भाई, और टाइम हो गया भाई 2:45, और ये भी हम पहुंच गए भाई नारायणगढ़ के बस स्टैंड पर। और भाई यहाँ पे जो अपने रघुवीर भाई है तो वो भी चेंज हो जाएंगे, और यहाँ से अभी हमारे बस को लेके चलेंगे भाई आगे के लिए आशू भाई। लो भाई, हमारे साथ पंचकुला स्टाफ के सर बैठे थे,
और इनकी ड्यूटी है सर, कब से स्टार्ट हो रही है पंचकुला हिसार वाली एसी बस फिर? कल से सर। कल अच्छा से। कल से ही स्टार्ट हो रही है। चलो और बाकी जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं बता दूंगा सर से करके, ठीक है? ओके थैंक यू सर। ओके लो भाई ये पहुंच गया भाई नारायणगढ़। भाई साहब नाम और बताओ। गुरदीप भाई। गुरदीप भाई जी आज अपने भाई पर चालक भाई अपने के अच्छा आपकी ड्यूटी होगी भाई साहब। मेरी हो गई चलो ये तो आपस में चलता भी है भाई साहब, है ना भाई साहब? हाँ चलना भी चाहिए। ये तो है। लो भाई और जैसे ही हम नारायणगढ़ से निकलते हैं तो हमारी बस यहाँ पे रुक रही है भाई लंच ब्रेक के लिए। और जो बड़े भाई अपने रघुबीर भाई थे वो उतर गए थे भाई रास्ते में, क्योंकि उनका गांव रास्ते में ही पड़ता है। और वहाँ से आपको दिखाया था कि जो बड़े भाई आंसू है तो उनकी ड्यूटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। लो भाई और हमारी बस रुकी हुई भाई जस्ट कलाम से पहले किसी होटल है वाटिका पंजाबी, और उत्तराखंड डिपो वगैरह का भी यहीं पे भाई स्टॉप है। बाकी यार अभी टाइम ऐसा हो गया कि खाना खाने का मन नहीं है, जो अपने स्टाफ वगैरह भाई थे बोल रहे थे खाने के साथ में खाने के लिए, फिर अपना मन भी नहीं था तो बस अभी बस जस्ट कॉफ़ी पिए कि अभी बन रही है, इतने मैं सोचा चलो आपको वीडियो वगैरह अपन दिखा दूँ। ये भाई चंडीगढ़ पंचकूला ऋषिकेश डिपो वाली ये देहरादून से आ रही है भाई आपकी। बाकी भाई अपने हरियाणा रोडवेज के जहाज की फोटो देख लो कितनी प्यारी लग रही है। वैसे है भाई जो अपनी रोडवेज बसेज होती है और बसेज से आप देख ही पा रहे हैं, जो उत्तराखंड डिपो की बसेज होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है और जो अपनी रोडवेज की बसेज होती है वो जब बड़ी होती है। चलो ठीक है मेरे भाइयों, और ये भी हम निकल रहे हैं भाई अपना खाना खा के होटल से, और जो भी आगे की जर्नी है वो आपको देखने को मिलेगी कल, क्योंकि आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यार मेरा भी मन नहीं करता कई बार कि दो पार्ट में दिखाऊँ। एक दो भाई के सजेशन भी आते हैं कि भैया एक में ही कंप्लीट किया करो, लेकिन भाई मेरी मजबूरी ये हो जाती है कि कई बार कि अगर आप खुद सोचो जो पिछली वीडियो देखी अभी आपने इसमें ऐसा कौन सा पार्ट था जो मैं डिलीट कर सकता था या एडिट कर सकता था, तो आप भी बोलोगे कुछ ऐसा था ही नहीं, तो यही होता है। और दूसरी बात भाई देखो आपको ही पता है कि हर यूट्यूबर अपने अलग तरह से सोचता है, जो मेरा मानना है मैं सोचता हूँ कि अगर मैं जिस भी जर्नी पे जाऊँ चाहे वो छोटी जर्नी है या बड़ी, तो हर चीज़ डिटेल में डालूँ
और कई आपको पता है कि यूट्यूबर ऐसे भी है जो क्या पता दिल्ली से मुंबई आपको 20 से 25 मिनट में एक व्लॉग में ही कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन भाई अगर मैं किसी दिन दिल्ली से मुंबई गया, क्या पता मैं भाई तीन तीन पार्ट में वो व्लॉग कंप्लीट करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं हर चीज छोटी से छोटी डिटेल में डालूं। तो भाई वही होता है, हर किसी का अपना अलग अलग नजरिया होता है, तो मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अलग होता है। मेरा बिल्कुल ऐसा होता है कि बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी डिटेल और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो ठीक है मेरे भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय हरियाणा भाइयों। भाई लास्ट में एक बात और, जिस भी भाई ने अब तक चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करो, और भाई अपनी हर वीडियो में भाई मेरे प्लीज लाइक और कमेंट भी किया करो। इससे क्या होता है कि और लोगों तक भी भाई मेरी जो वीडियो है वो और पहुंचती है लाइक से भी। तो भाई ये भी प्लीज जरूर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखो तो एक लाइक ही करना पड़ता है, लाइक जरूर किया करो, कमेंट करो या ना करो वो अलग बात है।